अयोध्या का दिव्य अवतार कीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने एक साल पहले 5 अगस्त को रामलला के मंदिर की आधारशिला रखी थी। अब उस तारीख को एक साल हो चुका है और अब इस ऐतिहासिक तारीख पर सीएम योगी अयोध्या आ रहे हैं। ये जांचने परखने की एक साल में मंदिर निर्माण का काम कितना पूरा हुआ है, क्योंकि मंदिर निर्माण कब पूरा होगा इसका इंतजार सिर्फ अयोध्या को ही नहीं पूरा देश कर रहा है। और आज हम आपको राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, मतलब एक साल में मंदिर निर्माण का काम कितना पूरा हुआ और भगवान राम की नगरी अयोध्या कितनी बदली, आज सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जगमग हुआ अयोध्या धाम, गली गली में जय श्री राम। युग में पधारेंगे, कितना हुआ मंदिर का निर्माण सबको बताएंगे। राम मंदिर निर्माण का पूरा ब्यौरा, मुख्यमंत्री योगी का अयोध्या दौरा। चौबीस घंटे चल रहा है मंदिर निर्माण का काम, सरयू के घाट बोल रहे हैं जय श्री राम। खत्म होने वाला है सदियों का इंतजार, राम की महिमा अपरंपार। दुल्हन की तरह सजी अयोध्या की गलियां, बन रहा है इतिहास, देख रही है दुनिया। सोने का सिंहासन, चांदी की ईंट, पीतांबर ओढ़ेंगे राम, देखेगा संसार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने इसका इंतजार राम भक्त सदियों से कर रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए राम आस्था है तो किसी के लिए पूरा जीवन, क्योंकि कई ऐसे राम भक्त हैं जिन्होंने राम के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ है तो एक उम्मीद जगी है, उस राम राज्य की जिसका सपना हर एक भारतवासी ने देखा है। अब सीएम योगी इस राम राज्य की झलक दिखाने अयोध्या आ रहे हैं, क्योंकि जहां सीएम योगी एक साल में हुए राम मंदिर निर्माण के काम को देखेंगे तो वहीं अन्न महोत्सव का शुभारंभ कर राम राज्य की झलक दिखाएंगे। है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच होता हो। सभी नागरिकों को आप जय श्री राम बोलने को कह रहे हैं? एकदम बोल सकता है, राम हमारे पूर्वज थे। अयोध्या महज एक शहर नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का वो केंद्र है जहां सदियों से भगवान राम के जयकारे गूंजते रहे हैं। और 5 अगस्त की तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये राम मंदिर निर्माण में वो मील का पत्थर है जिसे सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शिला पूजन कर रामलला के मंदिर की आधारशिला रखी थी। और अब इस ऐतिहासिक तारीख को एक साल
पूरा हो रहा है। ऐसे में एक साल में अयोध्या कितनी बदली, मंदिर निर्माण का काम कितना पूरा हुआ, इसका जायजा लेने खुद सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। राम मंदिर की आधारशिला की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर माथा टेकेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री रामलला के दरबार जाकर पूजा करेंगे। वहां से मुख्यमंत्री राम मंदिर गर्भगृह के उस स्थान पर जाकर कलश स्थापना करेंगे जहां बीती 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था। अपने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण अन्न योजना में भी हिस्सा लेंगे। रामघाट से मुख्यमंत्री निर्धन, निर्बल और असहाय परिवारों को राशन का वितरण करेंगे। सीएम योगी गोरखपुर से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और दर्शन करेंगे। इसके बाद सीएम योगी रामलला के दरबार में माथा टेकेंगे और फिर सीएम योगी उस जगह जाएंगे जहां पर पीएम मोदी ने 5 अगस्त को भूमि पूजन किया था। सीएम योगी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पूरा जायजा लेंगे और अपनी नजरों से समझेंगे कि एक साल में कितना काम हुआ और कब तक मंदिर बनकर पूरा होगा, क्योंकि 2023 तक मंदिर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जानकारों की माने तो योगी जब से सीएम बने तब से करीब 20 बार अयोध्या जा चुके हैं। यह अपने आप में एक इतिहास है। वहीं योगी के आने से पहले अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। करीब 500 साल से संघर्ष कर रहे राम भक्तों के लिए 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक है। एक साल पहले इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या आकर देश के करोड़ों राम भक्तों से किया मंदिर निर्माण का वादा निभाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में 9 शिलाओं के पूजन के साथ चांदी की कन्नी से चांदी की ईंट लगाकर राम मंदिर की नींव रखी थी। उन्होंने एक पारिजात का पौधा भी लगाया था। इस एक साल में वास्तुकारों और कारीगरों ने दिन रात काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर अयोध्या आकर मंदिर निर्माण के काम की समीक्षा और निगरानी करते रहे। बारिश और मौसम की गड़बड़ी के चलते कुछ दिन से काम की गति धीमी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार साल 2023 तक राम मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोलने का दृढ़ संकल्प लेकर काम कर रही है। बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। पहले रामलला त्रिपाल से हट करके एक अस्थायी मंदिर हो गए जहाँ सब चीज़ व्यवस्था है। उसके बाद में मंदिर बन रहा है और बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं, सब कुछ कार्य प्रगति पर है। तो ये बदलाव यही है, विशेष रूप से अयोध्या का विकास करने की भी प्रोजेक्ट उसको हो गए, वो शुरू हो गया है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के साथ साथ अन्य जितने भी कार्य हैं वो भी प्रारंभ हो गए हैं। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं तब से लगातार विकास की गंगा, साथ साथ राम जन्मभूमि, सनातन धर्म संस्कृति, अयोध्या की 84 कोसी, 14 कोसी, 5 कोसी, अयोध्या के प्रमुख तालाब, कुंड, महापुरुषों का जो जन्मस्थली, इसको अयोध्या 84 कोसी का जो वो है अयोध्या से चित्रकूट तक, ये सारी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से लगातार चल रही है। तो ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता अभी तक किसी सरकार में नहीं देखा। ठीक है, विकास कार्य हर सरकार करती है, लेकिन सनातन धर्म संस्कृति को जोड़कर, धर्म को जोड़कर कोई सरकार नहीं करती है। साधु संतों की माने तो जब से सीएम योगी ने अयोध्या के विकास की कमान अपने हाथों में ली तब से अयोध्या काफी बदल गई। आने वाले वक्त में अयोध्या ठीक वैसी नजर आएगी जैसी त्रेता युग में नजर आती थी। भूमि पूजन के 1 वर्ष पूरे हो गए और 1 वर्ष में बहुत काम अयोध्या जी में हुआ है। रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण सहित अन्य विकास के बहुत सारे काम हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में देशवासी ही नहीं पूरे संसारवासी भगवान श्री राम की अयोध्या को, त्रेता युग हम लोगों ने देखा नहीं है लेकिन इस कलयुग में हम त्रेता युग जैसी व्यवस्था वहाँ पर खड़ी हो जाए, जो भक्त आवें, जो तीर्थयात्री आवें, जो पर्यटक आवें, अयोध्या अगर आएँ तो उनका वहाँ से फिर जाने का मन ना हो, इस प्रकार की तैयारी अयोध्या जी के विकास की दृष्टि से केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के कर रही हैं।
वहीं सीएम योगी भगवान राम की नगरी से अन्न महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। इसके लिए अयोध्या के वासुदेव घाट पर फेयर प्राइस शॉप की दुकान को चिन्हित किया गया है। यहां से सीएम योगी लाभार्थियों से संवाद करेंगे और राशन कार्ड धारकों को निशुल्क राशन वितरण करेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया जाना है और इसके तहत अयोध्या में भी सभी 994 दुकानों पर अन्न महोत्सव का कार्यक्रम संपादित होगा, जिसमें निःशुल्क राशन 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से सभी जो कार्ड धारक हैं उनको प्रदान किया जाएगा। विशेष जोर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे दिया है कि जितने भी ऐसे लाभार्थी जिनको पूर्व में योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा था उनको निश्चित रूप से उनको लाभान्वित कराया जाए और कल के कार्यक्रम में विशेष रूप से उनको प्रेरित किया जाए कि वो उपस्थित रहें, निःशुल्क राशन भी प्राप्त करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी सुने। एक तरह से सीएम योगी भगवान राम की नगरी से अन्न महोत्सव का शुभारंभ करके राम राज्य की झलक दिखाएंगे। जानकारों की माने तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, जल्द ही राम राज्य की छटा से पूरा अयोध्या धाम जगमग होगा। अयोध्या से विवेक त्रिपाठी के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा। देखिए 5 अगस्त की तारीख अयोध्या के लिए एक पर्व की तरह है, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी ने सिर्फ रामलला के मंदिर की आधारशिला ही नहीं रखी थी, इस दिन अयोध्या का नया भाग्य लिखा था। अब इस तारीख को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भव्य तैयारी कर रखी है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो वहीं भगवान राम के भक्त मंदिर निर्माण को अपनी आंखों से देख सके इसके लिए खास तैयारी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में भव्य महोत्सव की तैयारी। घर घर जलेंगे दीप, रोशन होगी अयोध्या नगरी। तारीखें अक्सर इतिहास लिखती हैं, ठीक वैसे जैसे पीएम मोदी ने 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखकर लिखी थी। अब 5 अगस्त की तारीख को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या में भव्य तैयारी हो रही। राम मंदिर की आधारशिला को 1 साल पूरा होने पर ट्रस्ट विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान कर रहा। जानकारी के मुताबिक राम जन्मभूमि में कलश स्थापना के साथ हवन पूजा पाठ के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस मौके पर भगवान रामचंद्र को 56 भोग लगाए जाएंगे, जिसका प्रसाद सभी साधु संतों को वितरित किया जाएगा। वहीं अयोध्या में घर घर दीप जलाने की तैयारी भी है। 5 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन होने के कारण से इसको बहुत ही भव्य दिव्य रूप देना चाहिए और इसमें और जो प्रमुख लोग हैं उनको इसमें सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए जो भी होगा ट्रस्ट के माध्यम से होगा, लेकिन जो किया जाएगा वो बहुत ढंग से किया जाएगा और कलश स्थापन, मंत्रों के द्वारा पूजन, उसके बाद दीप प्रज्वलन, आरती, प्रसाद वितरण, ये सब काम जो है वो 5 अगस्त को किए जाएंगे। यह बड़ा ऐतिहासिक दिवस है 5 अगस्त और ख़ास तौर पर सनातन धर्मावलंबियों के लिए, राम भक्तों के लिए। तो 5 अगस्त को हम लोग एक महोत्सव के रूप में, इत्यादि हवन है, पूजन है, पाठ है, इत्यादि माने एक बड़े महोत्सव के रूप में हम लोग जो है मनाएंगे। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू है, चल रहा है, जिसको पिछले वर्ष 5 तारीख को भूमि पूजन हुआ। आने वाले 5 तारीख को 1 वर्ष हो जाएगा। लगातार जो डेवलपमेंट का कार्य है बहुत तेजी से चल रहा है। थोड़ा सा कोरोना काल के नाते कम हुआ, धीमी हुई, लेकिन एक भक्तों में, राम भक्तों में अपार उत्साह है और साधु में तो इतनी जबरदस्त उत्साह है जिसकी कल्पना ही करना संभव नहीं है। इस खास मौके पर भगवान राम के लिए रत्न जड़ित वस्त्र तैयार किए गए हैं, क्योंकि रामलला को दिन के हिसाब से कपड़े धारण करवाए जाते हैं। इस लिहाज से इस बार भी रत्न जड़ित वस्त्र भेंट किए जाएंगे
वहीं रामलला के लिए एक खास पीले रंग का वस्त्र मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने भी तैयार किया है। क्योंकि 5 अगस्त को इस बार दिन बृहस्पतिवार का है और प्रभु पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए हैंडलूम टेक्सटाइल से इस्तेमाल किया हुआ हमने एक विशेष वस्त्र तैयार किया है जो प्रभु श्री राम और उनके सभी भाई हनुमान जी विराजमान जो वहाँ पे वो सब लोग इस पीले वस्त्र को 5 अगस्त को धारण करेंगे। वहीं इस खास मौके पर रामलला के श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक नई सौगात देने जा रहा है। भगवान राम के भक्त राम मंदिर निर्माण को देख सकें, इसके लिए एक व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है। इससे पहले भी ट्रस्ट राम भक्तों को समय समय पर सौगात देता रहा है। ट्रस्ट ने एक सौगात तब दी थी जब रामलला को टेंट से अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया था। दूसरी सौगात तब दी थी जब रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की दूरी को कम किया गया था। अब तीसरी सौगात व्यू पॉइंट की है जो रामलला के दर्शन मार्ग पर ही बनाई जाएगी। ये पूरी लोहे की जाली से पैक होगी जहां से श्रद्धालु खुली आंखों से मंदिर निर्माण देख सकेंगे। रामलला के भक्तों के लिए खुशखबरी की खबर है, दर्शन करने के बाद अब राम भक्त मंदिर का निर्माण कार्य भी देख सकेंगे अपनी आंखों से, जिसको लेकर के पिछले दिनों हुई बैठक में अहम निर्णय लिया गया है कि जो श्रद्धालु राम भक्त दर्शन करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक निराशा हाथ लगती है कि मंदिर का निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है उसको देखने के लिए हर कोई इच्छुक है, जिसको लेकर ट्रस्ट ने बैठक में निर्णय लिया है और तेजी के साथ अब वह कार्य शुरू कर दिया गया है। जब रामलला के भक्त जब दर्शन करेंगे रामलला का, जब बाहर निकलने लगेंगे, एक व्यू पॉइंट बनाया जा गया है, वहाँ से वह राम भक्त जो मंदिर का निर्माण कार्य है वह देख सकेंगे। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। दरअसल जो भी श्रद्धालु अयोध्या जाते हैं उनके मन में उत्सुकता रहती है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण कैसे हो रहा है इसे देखा जाए। अब राम भक्त अपनी आंखों से इसे देख सकेंगे। हाँ, ये बात आपका ठीक है प्रश्न। अभी जो तीर्थयात्री आते हैं उनको दर्शन के साथ साथ वो इस बात के उत्सुक रहते हैं कि कहीं ना कहीं मन में भावना रहती है कि हमारा जो राम मंदिर जो हमारी कल्पना को साकार होने जा रहा है उसका काम कैसा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए व्यवस्था बनाने काम कर रहे हैं ट्रस्ट के लोग कि जाली से जाते हुए रास्ते में अवलोकन कर सकें कि राम मंदिर हमारा बन रहा है, किस प्रकार बन रहा है, ऐसा ही होने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण सिर्फ अयोध्या का विषय नहीं है और ना ही ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है, बल्कि ये पूरे देश और दुनिया में रहने वाले हर एक राम भक्त के लिए गौरव का पल है। हर किसी को जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बनने का इंतजार है ताकि वो सपना पूरा हो सके जिसके लिए ना जाने कितने लोगों ने दशकों तक इंतजार किया। अयोध्या से विवेक त्रिपाठी के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा। सबके जहन में एक ही सवाल है कि बीते एक साल में राम मंदिर का कितना निर्माण हुआ है और कितना बचा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज ये रिपोर्ट आपके लिए है, क्योंकि ट्रस्ट ने उस तारीख का ऐलान कर दिया है जब राम मंदिर का न सिर्फ निर्माण पूरा हो जाएगा बल्कि भक्तों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। साल भर में कितनी बदल गई अयोध्या? एक इतना चमत्कार की तरह बदलाव देखा गया। एक साल जो 5 अगस्त है वो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी आकर के और भूमि पूजन और शिला पूजन किए थे। बदलाव की कहानी अयोध्या वासियों की जुबानी। अयोध्या में जितने भी हमारे हिसाब से जितने भी दुकानदार थे, बहुत बदलाव हुआ जब से 5 अगस्त को भूमि पूजन मोदी जी ने किया, तब से यहाँ की दुकानदारी डबल टिबल हो गई है, डबल टिबल हो गई है, बहुत ही बदलाव हुआ है, बहुत ही अच्छा हो गया। कितनी तेजी से हो रहा है मंदिर निर्माण? क्या है संतों महंतों की राय? मंदिर बन रहा है, बढ़िया ढंग से बन रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, ये निश्चित बात है। साल भर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे
तब अयोध्या से एक बड़ा संदेश देश भर में गया था। ये संदेश बड़े बदलाव का था। सबके हैं राम, सब में है। साथियों, मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। साल भर में भगवान राम की नगरी में सीएम योगी कई बार पहुंचे। हर बार विकास की योजनाओं को इससे रफ्तार मिली, बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा हुई। योगी सरकार ने अयोध्या पर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। पीएम मोदी की सलाह से अयोध्या का विजन 2047 तैयार है। आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक अयोध्या को ऐसे शहर के रूप में विकसित करने की योजना है जिसमें आध्यात्मिकता के साथ ही आधुनिकता का संगम दिखे, मिनी भारत की झलक मिले।